अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी, मतलब बेसिकली हमें एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, सो सर हमारे इंडिया में बहुत सारी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि कम फीस में भी आपके सिलेक्शन का दावा करती हैं, तो सर रेस आईएएस क्यों डिफरेंट है सिविल सर्विसेज के तैयारी के तौर पे? हमें रेस आईएएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जब हम 30,000-40,000 में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि आपका जो रेस आईएएस है बेसिकली उसकी जो फ़ी है बाकी कोचिंगों से थोड़ा सा हाइक पे है, सो हमें रेस आईएएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं हमें वो 30,000-40,000 की इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन पा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी दावा करते हैं प्रॉपर तरीके से। सो क्या रेस आईएएस डिफरेंट करवाता है अपने कैंडिडेट्स के लिए? ये जो आपने प्रश्न किया ये शायद बहुत लोगों के मन में होता होगा, और ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए लोगों को कि जब कोई जाते हैं वो कोई कहता 30,000 रुपये में करा देंगे 40,000, आप मेडिकल की तैयारी कराते हैं 2,00,000 रुपये फीस देते हैं, आप क्लर्क की तैयारी करते हैं वहाँ पर आप 40,000 रुपये फीस देते हैं, अपने बच्चे को 10th में आप मैथ का ट्यूशन कराते हैं 6,000 रुपये महीना देते हैं, यानी 60,000 रुपये सालाना वहाँ देते हैं, तो क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कोई आम साधारण लोग करा सकेंगे? आम साधारण लोग या एक बंदा जो पूरी कोचिंग चला रहा होगा अकेले के दम पर, वो 30,000 रुपये में आपको सिविल की तैयारी करा सकता है? क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं? वो 30,000 रुपये में आपका एक साल बर्बाद कर रहा है, वो 40,000 रुपये में आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर रहा है, और शायद एक साल पूरा होते होते आपका इंटरेस्ट भी सिविल सर्विस से ख़त्म हो जाएगा, उसके पढ़ाने के तरीके और आपका समय बर्बाद करने के तरीके से, और धीरे धीरे आपका अच्छे लोगों पर अच्छे इंस्टीट्यूशन पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूशन फ्रॉड होता है। तो जो 30,000-40,000-50,000 रुपये में पढ़ाएगा, आपको मालूम है रेस आईएएस क्यों ये फीस लेता है? रेस आईएएस में हर टॉपिक के लिए स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, और वो फैकल्टी जो ऑलरेडी आईएएस का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और यहाँ की जो टीम है वो स्पेशलाइज टीम है। हम 7 days क्लास देते हैं, 5 days हम GS के लिए देंगे, 2 दिन हम उनको टेस्ट सीरीज और करेंट अफेयर, यहाँ तक कि ऑप्शनल पेपर भी हम उन 2 दिनों में कराते हैं तो भी हम करेंट अफेयर और टेस्ट सीरीज उनको प्रोवाइड करते हैं। 7 days उनको इन्वॉल्व ही नहीं रखते, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम ना सिर्फ डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन या स्पीकिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम लोग क्लास प्रेजेंटेशन देते हैं, बल्कि रेगुलर टॉपिक के बाद टेस्ट करवाना, उसका बच्चों के साथ डिस्कशन करना, बच्चों को लगातार लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए जितने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं हमारे बच्चे ही उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये हम जो कराते हैं ये हमारी मिनिमम फी है, और ये जो आपने बोला कि आपकी फीस दूसरों से ज़्यादा है, तो हम दूसरों से अलग हैं इसलिए हमारी फीस दूसरों से ज़्यादा है, और ये फीस नहीं है, ये सिर्फ गुरु दक्षिणा है, क्योंकि फीस लेते तो जो सर्विस हम प्रोवाइड करें मिनिमम फीस 4,00,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, और ऐसा करने पे भी हमारा काम चल जा रहा है क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कम फीस पर भी काम हो जाता है, तो हम अपनी कम फीस रख कर भी वो सारी सर्विसेज उनको दे पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी को भी, जो भी जिनको भी आप जानते हैं जिन्होंने 30,000-40,000 रुपये में दावा किया, या 30,000-40,000 देख के लोग चले गए हैं, किसी भी एक बंदे को आप वहाँ से बुलाकर पूछ लीजिएगा जिसने 30,000-40,000 रुपये में एडमिशन लिया होगा, और उसके फीडबैक के बाद फिर आप रेस आईएएस के बारे में बात करिएगा कि रेस आईएएस इतनी फीस क्यों लेता है। रेस आईएएस की फीस भारत की सभी संस्थाओं से कम है, जिस स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, इस स्टैंडर्ड के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा जो वास्तव में सिविल पढ़ाते हैं, जो वास्तव में आईएएस बनाते हैं, उनकी फीस हमसे 2 गुना ना हो तो हम रेस आईएएस की फीस पूरी माफ़ कर देंगे। आप इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी हम फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेते, सिर्फ हमारी फैकल्टी हमारी सर्विसेज के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है खाली वो पूरा करते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में इस फील्ड में आने के पीछे मेरा पैशन पैसा कमाना कभी नहीं रहा। यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन करा के अपने लिए सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, अपनी इस टीम को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना मेरा ये काम था, तो मेरा ये मिशन है, इस मिशन के लिए मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ गुरु दक्षिणा बच्चों का कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आगे आने वाले बच्चों के लिए हम और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें।